मूल निवासी बहुजन क्रांति के कवि लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे। अन्ना भाऊ साठे यह नाम सुनते ही लोक शाहिर, लोक कलाकार, नाटककार, कथाकार एवं उपन्यासकार आदि विविध प्रकार की उनकी प्रतिमा सामने आती है, लेकिन सही अर्थ से वह एक विद्रोही साहित्यिक थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के कार्यों ने मूल निवासी बहुजन समाज के लेखक, कवि और नाटककारों में सामाजिक जागरूकता के लिए काम करने की प्रेरणा दी थी। यह इस बात से समझा जा सकता है जब बाबा साहब के निधन पर अस्पृश्य शोषितों के लिए अन्ना भाऊ ने शाहिरी की थी। जग बदल घालूनी घाव, सांगूनी गेले मला भीमराव, गुलामगिरीचा चिखलात ऋतूनी बसला ऐरावत, अंग झाडूनी निघ बाहेरी घे बिनीवरती घाव। अन्ना भाऊ का यह संदेश और उनका साहित्य मानवीय जीवन को परिवर्तनशील बनाने वाला है। उनकी कथाएं, लोकनाट्य, उपन्यास मराठी साहित्य के लिए बहुत बड़ा उपहार है। उनके साहित्य भारत की सभी प्रमुख भाषाएं एवं जगत की स्वीहाक जर्मन, रशियन, इंग्लिश, क्यूबन, झेक, पोलिश आदि 27 देशों की भाषाओं में भाषांतरित हुए हैं। यह बात महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि सारे भारत को अभिमानास्पद है, लेकिन यहाँ के ब्राह्मणवादी इतिहास ने उसे नज़रअंदाज कर दिया है, क्योंकि अन्ना भाऊ उच्च भ्रू नहीं थे। वह थे एक अस्पृश्य जाति के। उच्च वर्णियों की जैसा कलावंतपूर्ण वाङ्मय वे क्या लिख सकेंगे, इस भावना से प्रतिस्थापित साहित्यिकों ने उन्हें उपेक्षित रखा। आज मूल निवासी बहुजन समाज के साहित्यिकों ने अन्ना भाऊ के विचारों को समझकर सामने रखना आवश्यक है, क्योंकि अन्ना भाऊ साठे मूल निवासी बहुजनों को साहित्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले पहले लेखक और साहित्यिक हैं। अन्ना भाऊ के बारे में बताएं तो उनका पूरा नाम तुकाराम भाऊ साठे था। उनका जन्म 1 अगस्त 1920 को सांगली जिले के वटेगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भाऊराव और माता का नाम वालूबाई था। ऐसे विद्रोही साहित्य का जन्म मातंग समाज में हुआ था, जिसके चलते उन्हें ज्ञान प्राप्ति करने का अधिकार नहीं मिला। यदि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया होता तो उसे मरने के लिए तैयार रहना पड़ता और अन्ना भाऊ को मृत्यु की ओर ले जाने के लिए मनुवादी समाज व्यवस्था ही जिम्मेदार होती। फिर भी जिनकी स्कूल की प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं हुई उनके नाम आज 32 उपन्यास, जिनमें से 7 पर मराठी में बनी फिल्में, 22 कथा संग्रह, 15 लोकनाट्य नाटिका तथा नाटक, 15 दीर्घ पोवाड़े, प्रवास वर्णन, अनेक कविता तथा साप्ताहिक पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक वार्ता, लेखक मुलाकात आदि साहित्य है। महाराष्ट्र में उन्हें भले ही लोकशाहिर, क्रांतिकारी गीत रचयिता और गायक के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन वे एक महान प्रतिभाशाली साहित्यकार थे, जिन्होंने उपन्यास, कथा, प्रवास वर्णन, लोकनाट्य, नाटक, लोकगीत, पवाड़ा, गीत, लेख, वार्ता, मुलाकात आदि लिखा। यह सब किसी एक शाहिर या लेखक के बस की बात नहीं है, बल्कि एक समर्पित कार्यकर्ता, आंदोलक जिसने साहित्य और कला का आंदोलन के लिए महत्व समझा है, वही यह सब कुछ कर सकता है। अन्ना भाऊ साठे के रिश्तेदारों के तमाशा के दल थे। गीत संगीत, सवाल जवाब, इतिहास की कहानियाँ, इससे यह तमाशा प्रसिद्ध थे। इनके इर्द गिर्द रहने से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थिति का उन पर प्रभाव पड़ा। वे काव्य तैयार करना, कथा को तैयार कर उसे बताना, पवाड़ा गाना, इन बातों को बचपन में ही सीख गए थे। वे गीत संगीत के वाद्य हारमोनियम, सारंगी, बुलबुल तरंग, तबला, ढोलकी जैसे वाद्य बजाते थे, साथ ही ऊंचे स्वर में गाते भी। इसके अलावा उन्हें तलवार, वीटा, दांड पट्टा, कुल्हाड़ी जैसे शस्त्र चलाना और उसके कर्तव्य करना भी आता था। अन्ना भाऊ को विषमतावादी समाज व्यवस्था के कारण ही 1935 में रोजी रोटी के लिए वाटेगांव से मुंबई तक 227 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ी थी। मुंबई भले ही उस वक्त भी महत्वपूर्ण आर्थिक,
राजनीतिक शहर था, लेकिन यहाँ भी बेरोजगारी, भूखमरी, शोषण, जातीय एवं धार्मिक दंगे, मिलों के हड़ताल, कामबंद आंदोलन, गुनहगारी आदि के कारण यहाँ के बहुसंख्यक नागरिकों का जीवन अस्थिर था और समस्या और दुखों से भरा पड़ा था। इस परिस्थिति से परेशान अन्नाभाऊ साठे के परिवार को वापस अपने गांव लौटना पड़ा। गांव में वापस आने के बाद अन्नाभाऊ साठे की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वे किसानी या मजदूरी का काम नहीं कर पाते। उनके रिश्तेदारों के तमाशा के दल के लिए वे काव्य लिखना, लोकनाट्य लिखना, पवाड़ा गाना आदि काम करने लगे। यहाँ पर भी वे कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे। अन्ना भाऊ कम्युनिस्ट पार्टी के कलापथक के कार्य के लिए पुणे आए और एक बार फिर उन्हें मुंबई आने का मौका मिला। इस बार उन्होंने साहित्य लिखा। लघु कथा के साथ ही उन्होंने कई लोकनाट्य, नाटक और नाटिकाएं आदि साहित्य लिखे। उन्होंने कुल 15 लोकनाट्य लिखे हैं, जिनमें से 14 उपलब्ध है। उनके पवाड़े और गीत प्रेरणा देते हैं। अन्नाभाऊ साठे ने कम्युनिस्ट पार्टी के लोकयुद्ध, लोक साहित्य और युगांतर इन साप्ताहिक पत्रिकाओं के लिए वार्ताहर के रूप में काम किया। इन पत्रिकाओं में उन्होंने लेख लिखे तथा विभिन्न विषयों पर स्तंभ लेखन किया। इन पत्रिकाओं के लिए वे आम लोगों, मजदूरों के साक्षात्कार लेते थे। कला साहित्य के साथ कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े अन्नाभाऊ साठे का अंतिम काल बड़ा ही दुखद रहा। इनका सारा साहित्य प्रकाशित होने के बावजूद भी अंतिम दिनों में वे गरीबी से जकड़ गए। वे बीमारी और गरीबी के कारण परेशान रहने लगे और ऐसे ही असहाय परिस्थिति में उनका 18 जुलाई 1969 को दुखद निधन हुआ। कम्युनिस्ट आंदोलन में भले ही अन्नाभाऊ साठे को कॉमरेड कहकर पुकारते हैं, लेकिन फुले अम्बेडकरी आंदोलन में उनके नाम और कार्यकर्तृत्व को अभिमान के साथ गौरवान्वित किया जाता है। भले ही उनका साहित्य भारतीय भाषाओं में अनुवादित हुआ हो, लेकिन बामसेप संगठन ने उनका नाम और कार्य देशभर में जन जन तक पहुंचाया है। फुले अम्बेडकरी आंदोलन के उनके भावनिक नाते से ही उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण पर जग बदल घालुनी घाव यह आदरांजलि और प्रेरणादायी काव्य लिखा। मातंग जाति में अन्नाभाऊ साठे का नाम एक अस्मिता के रूप में लिया जाता है, लेकिन केवल अस्मिता के रूप में ही यह नाम लेना काफी नहीं। जाति व्यवस्था को जड़मूल से उखाड़ फेंकने के लिए फुले अम्बेडकरी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, नेतृत्व करना आवश्यक है। अन्नाभाऊ साठे के यह बोल हमेशा हमें याद रहने चाहिए। प्रहार कर बदल दुनिया, भीमराव ने यह बताया है। पृथ्वी शेषनाग के सर पर नहीं बल्कि मजदूरों के हथेली पर टिकी है। यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ऐसे महान क्रांतिकारी, परिवर्तनवादी, सत्य शोधक, संवेदना कलाकार, उपन्यासकार, साहित्य सम्राट, लोकशाहिर अन्नाभाऊ साठे, इनके स्मृति प्रीत्यर्थ भावपूर्ण आदरांजलि।